हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का S1 प्रो के लिए जो फेवरेट S3C का मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से। मेरा दोस्त रिसेंटली जो स्कूटर लिया था उनके लिए मैं ऑर्डर किया था। मैं नया पैकिंग में 2023 में क्या क्या आएगा सारे के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा और इसका क्वालिटी भी चेक करके दिखाऊंगा, पेंट कैसे रगड़ता है नहीं रगड़ता है। उसके बाद में मेरा लड़का का 72 किलो वेट है, उसको भी मैं चढ़ा के दिखाऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर 2023 मॉडल जो भी नया लिया, 2022 मॉडल का जो नया फेवरेट S3 का पूरा सेट है ये, जैसा मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिन से। लेटेस्ट वाला है, फोल्डिंग वाला ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरा दोस्त एक रिसेंटली स्कूटर परचेज किया था, उनके लिए मैं मंगाया था। पैकिंग देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी शानदार पैकिंग किया हुआ है बॉक्स के साथ में। मैं आपको इसका क्वालिटी दिखा दूंगा। मैं पिछले 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, इसका क्या रस्ट आ रहा है, नहीं तो कैसे कोई जंग आ रहा है, कोई ख़राब हुआ, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। रिसेंटली वाला ने भी लॉन्च किया लेकिन काफ़ी ज़्यादा रेट दिया लगाया उसका, वो भी मैं इसको आपको बताऊँगा क्या वैल्यू फॉर मनी है। चलिए इसमें क्या क्या एसेसरीज मिलने वाला मैं आपको दिखाऊँगा। ये अमेजॉन में भी अवेलेबल है इसका। ये पूरा किट है, मैं एक एक इसको खोल के आपको दिखाऊंगा। ये टोटल इसमें किट में मिल जाता है आपका एसेसरीज कैसे इंस्टॉल करना। उसके बाद एक गार्ड, सॉरी कोल का भी मैं दिखाऊंगा। पैकिंग ज़बरदस्त है इनका, इसमें एक कॉम्प्लीमेंटरी की तरफ से मेरे को एक स्क्रीन गार्ड भी मिला हुआ है, जो वो 600 रुपीज़ इसको दाम लिखा हुआ है लेकिन फ्री में मिला, वाला ग्लॉसी स्क्रीन गार्ड है। ये टेम्पर ग्लास टाइप का, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी एक बुकलेट है, एक छोटा सा कलम भी है, ये स्क्रूज का पूरा सेट दिया हुआ है इसमें। एक बार आपको खोल के मैं दिखाऊंगा क्या क्या इसमें आता है, ये सारे यूज़फुल वाला है। एक आपको टी वाला है, ये स्कूटर का छोटा छोटा जो एलेंकी नट्स है खोलने के लिए यूज आता है। बाकी ये साइड आपका फुटरेस्ट वाला के लिए, ये आपको ग्रेविल ओपन करने के लिए। बाकी मल्टीपल एडजस्टमेंट वाला है स्क्रू ड्राइवर, यहाँ से फ्लैट है यदि आप इसको पलटी करेगा तो स्टार बन जाता है। और एक रेंच है, ये सारे कहाँ यूज़ होगा मैं आपको बता देते हैं। चलिए सबसे पहले मेरे लड़के को बोलते हैं खोलने के लिए कवर। ये टोटल सेट है, इसमें हर चीज़ का आपको नट एंड बोल्ट्स मिल जाएगा। मेरा प्रीवियस 2 वीडियो देख सकते हैं, मैं कैसे फिट करना मैं दिखाया, मैं नया स्कूटर में ये भी फिट करके आपको मैं दिखाऊंगा। ये बैक रेस्ट है, इसका भी स्क्रू से एक्स्ट्रा मिल जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये फेवरेट S3 का जो सिंबल लोगो है काफ़ी अच्छा दिखता है। और मेन हाईलाइट है इसका, इस तरह का ये फोल्डिंग टाइप का। मैं आपको मेरा स्कूटर का जो फिटिंग किया हुआ है वो दिखा दूंगा। ये फ्रंट का कार्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हल्का फुल्का स्क्रैचेस कोई भी मारता है तो ये कई बार बचा दिया मेरे को। ये फिटिंग होने के बाद में भी ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलता है, सबसे बढ़िया ये लगता है। इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, दो साइड दिया हुआ है,
यदि छोटा बच्चा दो बैटरी होगा तो आपका दोनों के लिए, एक उनके लिए हो जाएगा एक ये हो जाएगा। ओला का सिंगल काली जो पुट्रेस्ट है उसी का दाम लिया हुआ है ओला ने 2000 रुपया, उसमें और 2000 ऐड करेगा तो आपको फुल प्रोटेक्शन के साथ मिलेगा। ये बैक रेस्ट है, ये भी जो जर्क लगता है उससे ले बचाते हैं आपको, सेम टू सेम इस तरीके का भी। ये फ्रंट में आता है। चलिए, मैं इतना दिन यूज़ किया अभी तक कहीं भी रेस्ट नहीं आया, इसका एक बार पेंट क्वालिटी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। मार्केट में कई मिलता है 2000-2500 में, उसका इसका एक पेंट क्वालिटी मैं चेक करके दिखाऊंगा। ये पाउडर कोटेड पेंट किया हुआ है इसमें, मैं आपको अभी लोहा से, लोहा है, स्क्रैच करके दिखाऊंगा। ये कहीं भी स्क्रैच नहीं होता कोई भी हिस्सा में। मैं आवाज़ भी आ रहा रगड़ने से, कहीं भी पेंट लगता नहीं। इसको बोलते हैं पाउडर कोटेड पेंट है और काफ़ी मजबूत है ये, जो वेल्डिंग जो जॉइंट दिया है आप देख सकते हैं, ये काफ़ी मजबूत है, कहीं से भी रस्ट आया नहीं। इवन मैं 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ तो ये बोल्ट तक भी इसमें रस्ट आया नहीं है, काफ़ी अच्छा है। सामने वाला भी देख सकते हैं कहीं भी रस्ट आया नहीं इसमें। कहीं भी स्क्रैच नहीं होता, ये पाउडर कोटेड पेंट है। एक किस्म का बाइक में जो पेंट लगता है उसी टाइप का पेंट है ये। क्वालिटी के चलते थोड़ा महंगा आता है लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी है। मैं इसका ड्यूरेबिलिटी अभी आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा कितना मजबूत है। ये खड़ा होके इसमें बैठ सकता है क्या, कोई प्रॉब्लम होता है क्या, वो मैं दिखाऊँगा आपको। अभी मेरा लड़का का वेट है 72 kg है। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल बैठने का कैसे अच्छा सपोर्ट मिलता है, और बैठने के बाद जो पोजीशन है उनका फुटरेस्ट का काफ़ी अच्छा होता है। अभी सिंगल लेग से एकदम वजन 1 पिलियन फुटरेस्ट में डाल के चढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। मैं कई दिन से यूज़ कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी वेट टेस्ट किया मैं, 100 किलो तक टेस्ट किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओला का जो पुटरेस्ट मिलता है वो काफ़ी महंगा है, 2000 में वन साइड का दे रहे हैं, ये प्रोटेक्ट भी आ रहा है और दोनों साइड का पिलियन पुटरेस्ट भी आ रहा है और बैक रेस्ट भी दे रहा होता है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है और काफ़ी मजबूत भी है, आप खुद ही देख रहे हो। चलिए, एक छोटा सा वीडियो तो आप लोग शेयर कर रहा हूँ, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सबको नमस्कार, थैंक यू।